तो आज हमें मेयर ने चैलेंज दिया है कि कौन बना सकता है अंडरग्राउंड बंकर सबसे खतरनाक वाला। जो भी जीतेगा उसको मिलेगा 1 करोड़ एमराल्ड। अरे बाप रे 1 करोड़ एमराल्ड, तो भाई ये तो सीधी सी बात है, मैं ही जीतूंगा। एक काम करते हैं, ये सब हम लोग बनाते नहीं क्योंकि जीतने तो मैं ही वाला हूँ। अरे भाई चैलेंज दिया है उसने तो बनाना पड़ेगा, एक साइड तू बना एक साइड में, तो मैं डायमंड वाला साइड ले रहा हूँ, तुझे गोल्ड वाला लेना ही पड़ेगा। नहीं भाई मैं जा रहा हूँ अपना एक नया साइड बनाने के लिए। नया साइड नहीं मिलेगा, तो यार फ्लिक जा चुका है अपने वाले साइड में और मैं भी आ गया हूँ डायमंड वाले साइड में। और एक खतरनाक बात बताऊँ आपको, मैंने अभी भी देखा ये चीज, ये दिख रहा है आपको क्या है, ये हिडन डोर है। जैसे मैं इसको खोलूंगा भाई मैं फ्लिक के साइड पहुंच जाऊंगा। तो ये वाला भी एक दरवाजा है, ये एक्चुअली में गोल्ड ब्लॉक नहीं है। तो एक बार आराम से खोल के देखता हूँ, उसका टैग दिख रहा है मुझे, मैं कुछ बना रहा है, बंद करता हूँ, मैं बाद में देखूंगा जो बना रहा है वो, क्योंकि यार वो मुझे हराने के चक्कर में। भाई आप लोग मुझे हर बार रेटिंग देके जिता देते हो, इस बार मुझे जीतना है। पता नहीं है फ्लिक क्या बना रहा था, उसको अंडरग्राउंड बंकर बनाना है। वैसे भी डिस्कॉर्ड से म्यूट है तो दरवाजा बंद करता हूँ, भाई वो ना देख लो दरवाजा। वैसे कैसे मालूम चलेगा यार, मुझे तो दिख रहा है क्लियर कट, उसको नहीं दिखेगा। तो एक काम करता हूँ, पहले ये वाला एरिया मुझे सिलेक्ट करना है और उस एरिया तक बनाना है। और भाई इस बार फ्लिक को इतनी गंदी मौत मारूंगा ना, वो भी सोचेगा वो इतना नूब कैसे हो चुका है। तो मेरे हाथ में जादू की छड़ी है, आपको लग रहा है सिंपल सा वुडन एक्स है। अब देखो मुझे बस एरिया सिलेक्ट करना है और मुझे इस तरफ जाना है और ये वाले एरिया को भी फिर से सिलेक्ट करना है मुझे। वैसे मुझे पूरा नीचे तक जाना था, तो एक काम करता हूँ ना, ये एरिया को पूरा खोदना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यार ये बहुत बड़े एरिया में हम लोग, तो थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा मुझे, इतने बन जाएगा मेरा काम। मुझे बस यहाँ पर ये वाला कमांड डालना है और उसको एयर में एंटर कर देना है। भाई इतने सारे ब्लॉक हमारे बदल चुके हैं एयर में, और यार देखो यहाँ पर हमारे पूरे ट्रैप्स बनने वाले हैं। मुझे पता है कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने इसको, लेकिन यार इतना बड़ा तो काफी, यार बनना भी तो अच्छा चाहिए ना। यार देखो हमारा डायमंड वाला साइड है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हम लगाते पूरा डायमंड, क्योंकि डायमंड यार सबसे बढ़िया ब्लॉक में से एक लगते हैं मुझे। तो पहले मुझे ये वाले एरिया को सिलेक्ट करना है ऐसे, और इस कोने में जाना है और इसको भी सिलेक्ट करना है मुझे। अब मुझे बस ये वाले कमांड को एंटर करना है। यार देखो पूरे वॉल्स हमारे बन चुके डायमंड के, और एक काम करता हूँ नीचे डर्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, और उस साइड जाके मुझे फिर से डायमंड का बनाना है इसको। यार पूरा बॉटम का लेयर भी हमारा डायमंड का बन चुका है और साइड साइड में पूरा डायमंड आ चुका है। तो यार कितना बढ़िया दिख रहा है हमारा ये वाला बंकर। यार इसको ऊपर से भी ढकना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, क्योंकि फ्लिक आएगा उसको इजीली दिख जाएगा और पहुंच जाएगा बॉटम तक। उसको एक्चुअली में बॉटम तक पहुंचना है, उसका फिनिश लाइन वहां पर है। तो एक काम करता हूँ मैं ये वाले एरिया को भी डायमंड से ढक देता हूँ। अब वैसे तो डायमंड को तोड़ नहीं पाएगा, तो उसको यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। अब नीचे जाने के लिए इतने खतरनाक मेज बनाऊंगा ना उसके लिए कि वो घबरा जाएगा और खुद ही गिव अप कर देगा। यार कोई बात नहीं, उसको सिर्फ 5 चांस दूंगा, मैं ज्यादा नहीं दूंगा। पहले मुझे ये वाला ब्लॉक सिलेक्ट करना है और इस कोने में जाना है फिर से, और ये वाले ब्लॉक को फिर से सिलेक्ट करना है, और ये पूरे एरिया को डायमंड का बनाना है मुझे। ठीक है भाई डायमंड का पूरा बन चुका है। अब सोच रहा हूँ एक असली एंट्रेंस दूं और एक नकली, जो मेरा स्टाइल है। तो ये कोना ठीक रहेगा, ये कोने से देता हूँ मैं नकली वाला एंट्रेंस उसके लिए, क्योंकि अंदर पूरा खोखला है भाई, अंदर पूरा खाली है। हो सकता है मैं नीचे और ले जाऊँ अगर मुझे लगा, तो इसको पूरा अच्छे तोड़ देता हूँ 3x3 में, इतना काफी होगा। और यहाँ पे मुझे बनाना फेक एंट्रेंस, कैसे मुझे फ्लिक को यहाँ पर लाना है। तो देखो ये नकली एंट्रेंस है, तो फ्लिक को मारना भी तो पड़ेगा ना यहाँ पर। थोड़ा नीचे आता हूँ मैं, और इतना काफी रहेगा ये एरिया का, थोड़ा सा ढक देता हूँ मैं, और यहाँ पर डाल देता हूँ पूरा लावा मैं। और ये एक्चुअली में रियल लावा है, इस बार फेक लावा यूज नहीं करूंगा मैं। जैसे फ्लिक यहाँ पर आएगा और जंप करेगा और मर जाएगा, लेकिन मैं फ्लिक को यहाँ तक लाऊंगा कैसे, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तो एक काम करता हूँ, ये एरिया थोड़ा लगना चाहिए ना एंट्रेंस जैसा कुछ है, तो यहाँ पर और डायमंड के ब्लॉक लगा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे लगाना है घोस्ट ब्लॉक, ऐसे करने पर ही फ्लिक फंसेगा, तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, इतना काफी होगा। ठीक है अब देखो आपको लग रहा होगा सिंपल सा ब्लॉक है, जैसे मैं जाऊंगा मैं गिर के मर जाऊंगा, लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ फ्लिक आएगा कैसे यहाँ पर, उसको लगेगा भाई ये कोई ट्रैप हो सकता है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एंट्री, और जैसे फ्लिक यहाँ पर आएगा तो एंट्री इस तरफ लिखा हूँ मैंने, लेकिन इधर जाना है फ्लिक को। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, एक एरो बना देता हूँ ताकि फ्लिक यहाँ पर जाए। तो ये बन गया भाई हमारा अच्छा सा एरो, थोड़ा एरो जैसा नहीं दिख रहा है पर चलता है। थोड़ा आगे जाना है मुझे और फ्लिक ऐसे गिर जाएगा भाई, यही तो मेरा प्लान है। अब उसके बाद में फिर से स्पॉन होगा वो, तो असली एंट्रेंस भी तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक काम करता हूँ किसी कोने में बनाता हूँ मैं, एक काम करता हूँ वो एरिया सही रहेगा, वो एकदम कोने में है। और भाई अगर मैं यहाँ पर एंट्रेंस बनाऊंगा ना तो फ्लिक को इजीली नहीं मिलेगा ये, तो एक ब्लॉक का बनाऊंगा सिर्फ मैं। तो ये वाले ब्लॉक को तोड़ देता हूँ, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे, और ये वाला एंट्रेंस थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया हो, जैसे फ्लिक यहाँ से आएगा सीधा नीचे कूदेगा, और जैसे नीचे आएगा और यहाँ पर लगा देता हूँ मैं लावा, लेकिन ये फेक लावा होने वाला है, ये नकली लावा है। एक्चुअली में हील करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा मैं घोस्ट राइडर बन के जल रहा हूँ, लेकिन मैं जल नहीं रहा हूँ एक्चुअली में, मुझे ये फायर रेजिस्टेंस और रीजनरेशन मिल रहा है भाई, और अच्छी बात है। तो जैसे फ्लिक यहाँ से आएगा आगे बढ़ेगा वो, लेकिन उससे पहले यार ये एंट्रेंस को थोड़ा सा छुपाना पड़ेगा ना मुझे। तो देखो ये एरिया को ढकने के लिए मैं सोच रहा हूँ घोस्ट ब्लॉक का यूज ना करूँ, क्योंकि यार फ्लिक को लगेगा कहीं ना कहीं तो घोस्ट ब्लॉक होगा, वो सिंपल चल के आएगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ट्रैप डोर, वो भी सीक्रेट वाला। अब देखो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा भाई, देखो सिंपल सा ब्लॉक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ चेंज ही नहीं हुआ यहाँ पर। भाई इतने सारे ब्लॉक को कौन क्लिक करके देखेगा, लेकिन जैसे हम इस वाले ब्लॉक को क्लिक करेंगे देखो ट्रैप डोर बदल जाएगा, और उसको लगेगा नीचे लावा, लेकिन उसको खुद नहीं पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और जैसे वो नीचे खुदेगा यहाँ पर उसको दिखेगा भाई ये फेक लावा है, उसके बाद में आगे बढ़ेगा। अब आगे देखो कितने बढ़िया से ट्रैप बनाता हूँ मैं। तो फ्लिक तो थोड़ा बहुत नूब है, मतलब मेरे जितना प्रो नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, हार्ड नहीं बनाऊंगा जो भी बनाऊंगा। तो पहला वाला जो हमारा ट्रैप होने वाला है वो तो ये था, पहला ट्रैप था ये तो सिंपल था। अब मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा हार्ड पार्कोर टेस्ट। तो यहाँ पर मुझे डायमंड ब्लॉक को सेट करना है, हाँ भाई 3 ब्लॉक का काफी रहेगा क्योंकि यहाँ पर लावा आएगा ना। और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना है मुझे फिर से, और यहाँ पर भी मुझे सेट कर देना डायमंड ब्लॉक को, ठीक है ये भी काफी रहेगा। तो यहाँ पर पूरा लावा आने वाला है खतरनाक, नीचे बहना नहीं चाहिए लावा, मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इतना 3 ब्लॉक का बनाया उसको। और यहाँ पर आगे एंड होगा, फिर उसको उस तरफ जाना है, और नीचे मैं उससे बॉस फाइट करवाऊंगा और वो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। इस जगह को भी भर देता हूँ मैं।
डायमंड से। ठीक है भाई, इतना काफी होगा, बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ लावा लगाना है, तो मुझे फिर से सिलेक्ट करना है, फालतू में लावा बकेट क्यों डालूं मैं। तो यहाँ पर सेट कर देता हूँ मैं लावा को। क्या बात है भाई, पूरा लावा आ चुका है यहाँ पर। जैसे वो यहाँ पर आएगा वो देखेगा यहाँ पर तो नकली लावा था, तो ये भी वो सोचेगा नकली है, मरेगा नहीं वो, लेकिन यार इजीली मरने वाला है वो। तो मुझे घोस्ट ब्लॉक की जरूरत है यहाँ पर और रियल वाला डायमंड ब्लॉक की जरूरत है। तो यहाँ पर एक रियल वाला लगाऊंगा मैं और यहाँ पर एक घोस्ट वाला लगाऊंगा। अब देखो आपको पता नहीं चल रहा होगा, उसको भी नहीं मालूम चलेगा और नीचे गिर जाएगा वो। तो ऐसे करके मुझे ट्रैप बनाना है पूरा और ये एरिया को पूरा ढकना पड़ेगा मुझे। तो यार फ्लिक तो वैसे नूब है मेरे हिसाब से, तो मैं सोच रहा हूँ पहले पूरे के पूरे जो ब्लॉक होंगे ना वो रियल रखता हूँ मैं। जैसे ये भी रियल है, ये भी रियल है और वो दोनों भी रियल ही रहेंगे। तो ठीक है, ये दोनों ब्लॉक को भी तोड़ देता हूँ और इसको बना देता हूँ मैं घोस्ट ब्लॉक का। ये देखो जैसे इसमें पैर रखेगा नीचे गिर जाएगा वो। उसको यार पहले तीन ब्लॉक में लगेगा वो इजिली जीत रहा है, लेकिन नहीं वो इजिली हार जाएगा आगे जाके, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो गलत होगा उसका। और आपको गेम के रूल पता है ना, सिर्फ 5 लाइफ मिलती है, तो 5 में से यार 2 तो अभी तक खत्म हो चुके होंगे उसके। अगर बहुत ज्यादा प्रो होगा या उसका लग बहुत अच्छा होगा तो पार कर लेगा इसको, तो भाई असली डिफिकल्टी तो अब चल होगी। तो ये एरिया से आने के बाद में वो यहाँ पर जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर एक बेड लगाऊं और ये एरिया को थोड़ा डेकोरेट करूंगा मैं, इतना प्लेन नहीं रहेगा, अच्छा दिखेगा बाद में। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, में सिर्फ 15 मिनट मिले। तो देखो यहाँ पर रहेगा फेक वाटर, अब फ्लिक को लगेगा रियल वाटर है और वो सोचेगा यार अगर ट्रैप में मैं गलत आ भी गया ना तो फेक वाटर से वापस आ जाऊंगा। तो थोड़ा बहुत उसको फंसाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर लैडर भी लगा देता हूँ, तो उसको लगेगा यार रियल है, मतलब ऊपर आने की कोशिश करेगा वो। अगर गिर गया तो उसके दिमाग में तो रहेगा ना गिरने का। तो एक काम करता हूँ पूरा पानी से भर देता हूँ इसको मैं, इसको तो हाथ से भर दूंगा मैं। तो यार ठीक है, इतना पानी काफी होगा। और अगर आपको लग रहा होगा ये असली पानी है तो नहीं, ये फेक वाटर है, दिखता पूरा रियल जैसा है और होता भी रियल है एक्चुअली में, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, ये पानी एक्चुअली में लावा है। देखो मुझे कितना गंदा डैमेज पहुंच रहा है। एक काम करता हूँ पहले यहाँ पे एक स्लैब लगाता हूँ सिंपल सा, मैं खुद पार करके देखूंगा इन सबको, क्योंकि यार जो चीज मैं पार नहीं कर पाया ना फ्लिक तो इजीली क्या मतलब पूरे दम लगा देगा फिर भी पार नहीं कर पाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा, थोड़ा इजी बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो मुझे से नीचे जाना, उस तरफ जाना है भाई, ऊपर का जाऊंगा ऊपर तो हमारा बेस आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लगा दिया, खुद के देखता हूँ, ठीक है भाई इजीली आ पा रहा हूँ मैं। तो ऐसे करके मुझे वॉल लगाना है, स्लैब लगाना है और लगाते जाना है। फ्लिक यहाँ पर तो मरेगा ही, तो ऊपर लैडर का कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर भी यार लैडर लगा के रखता हूँ मैं, थोड़ा उसको आसानी पड़ेगी खुदने में। तो थोड़ा इधर लेके आता हूँ उसको मैं स्लैब के थ्रू, तो यहाँ पर लगा देता हूँ मैं स्लैब एक और यहाँ पर खुद पाएगा ना वो। ठीक है तो इसको तोड़ो भाई, उसको वहां तक ले जाना है मुझे। तो धीरे धीरे मैं एंड्रॉइड स्लैब सब कुछ लगाते लगाते एक खतरनाक सा बिल्ड बनाता हूँ, देखो क्या बनाता हूँ। जैसे फ्लिक लास्ट वाले ब्लॉक में जंप करेगा ऐसे करके, और यहाँ पर जंप करना पड़ेगा उसको भाई, बहुत ज्यादा ईजी है। बीच वाले को भी तोड़ दिया मैंने, बहुत ज्यादा ईजी हो रहा था, उसको यहाँ पर कूदना है। थोड़ा सा हार्ड जंप तो है, लेकिन अगर पार कर लिया तो अच्छी बात है। जैसे इसको पार करेगा वो यहाँ पर आएगा वो, और यहाँ पर फिर से मैं एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ, छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा क्योंकि अब हमें और नीचे जाना है। तो जैसे फ्लिक इसको पार करके यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर मैंने बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म बना दिया। आप सोचोगे कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो बस मुझे एक कमांड डालना है। अब देखो भाई, तो भाई इस साइड अलग रास्ता है, इस साइड अलग रास्ता है। अब ये वाले रास्ते में हार्ड होने वाला है और इसमें और भी ज्यादा हार्ड होने वाला है। अब देखते हैं फ्लिक कौन सा रास्ता चुनता है। पहले तो मुझे लेजर लगाना है, तो ये थोड़ा पतला रास्ता है, तो यहाँ पर लेजर इजीली आ जाएंगे। तो पहले इस रास्ते को पूरा ढक देता हूँ मैं अच्छे से। भाई ये एरिया तो पूरा बन चुका है और यहाँ पर मैं लगाता हूँ लेजर, ये देखो जॉइंट हो चुका है। तो इसको ऐसे करके मुझे जॉइंट करना है, और यहाँ पर ज्यादा हार्ड नहीं बनाऊंगा मैं, क्योंकि लेजर से इजीली दोबारा मर जाएगा वो, ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं उसको। यहाँ पर भी कर देता हूँ लेजर को जॉइंट, अब थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ लेजर में, इतने ब्लॉक तक आएगा लेजर शायद, आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है भाई आ गया, क्या बात है। तो ऐसे करके और लेजर बनाने हैं, और ऊपर से एरिया को थोड़ा ढक दूंगा मैं अच्छे से, ताकि थोड़ा सा बढ़िया भी तो दिखना चाहिए ना भाई, हम बिल्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गंदा बना है। और यार आधा टाइम हो चुका है और मैंने इतना सा काम किया हो, फ्लिक ने पता नहीं कितना किया होगा, थोड़ी देर बाद जाते देखने के लिए क्या किया उसने। तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो का लाइक तो बताया नहीं मैंने, वैसे तो आज की वीडियो का लाइक है 20,000, लेकिन आज के वीडियो का कमेंट टाइम होने वाला है, वो होने वाला है 1,000 कमेंट। और यार एक दिन में 1,000 कमेंट कंप्लीट कर देना, क्योंकि कमेंट टाइम है हमारा आज, लाइक तो है ही वैसे, लाइक हमेशा होता है। इसको मैं एरिया को ढक देता हूँ, तब तक आप लाइक करो। और ये जंप तो इम्पॉसिबल है भाई, ऐसे या तो क्राउच करके भी नहीं जा सकता फ्लिक, यहाँ से देखो सर में लग रहा है इजीली, और यार खुद के भी नहीं जा सकता है, दो ब्लॉक कैसे खुदेगा। तो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया हूँ, अब उसके पास दिमाग रहेगा तो इजीली खुद के जा पाएगा वो, और देखते कर पाता है कि नहीं। ऐसे करके यहाँ पर भी लगा देता हूँ, इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं बनाना है कि सीधा मरते रहे यहाँ पर, और मैं इस बार उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, उसको पार करना ही पड़ेगा ये सब। तो भाई ये लग गए आखिरी वाले सारे ब्लॉक, और ये एरिया को थोड़ा खोल देता हूँ मैं। अब यहाँ से उसको अंदर जाना है, और ये जो एरिया दिख रहा है आपको यहाँ पर बॉस फाइट होगा, लेकिन मैंने आपको कहा था ना ये वाला थोड़ा सा हार्ड होने वाला है और ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ माइन लगाना है, और ये ऐसे वैसे माइन नहीं है भाई, कुछ ज्यादा ही खतरनाक माइन है। अगर मैं यहाँ पर फोड़ूंगा ना तो एरिया पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो मुझे यार थोड़ा सा ऑब्सीडियन चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि यार ऑब्सीडियन ही एक ब्लॉक है जो इस चीज को रोक सकता है फूटने से, वैसे डायमंड इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते। तो एक काम करता हूँ, इसको ऑब्सीडियन में बदल लेता हूँ मैं। तो यार ये देखो पूरा ऑब्सीडियन लग चुका है और कितना बढ़िया दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को स्पॉन करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे माइन तो लगाना पड़ेगा ना। अब देखो मैं यहाँ पर एक ज़ॉम्बी को स्पॉन करूंगा, देखना क्या होता है उसके साथ में। पहले ऊपर जाएगा और भाई क्या मौत मिली ज़ॉम्बी को, और यहाँ पर इतना ज्यादा आग लग जाएगा, और यहाँ तक आया भाई पूरा वेव उसका, तो समझ गए होंगे ना मुझे ऊपर से क्यों लगाना पड़ेगा। तो इसको तोड़ता हूँ मैं, इसको सही करता हूँ। पहले तो यार पूरा बर्बाद होने वाला था, वैसे बच गया कोई बात नहीं, ऑब्सीडियन था। तो मुझे बस यहाँ पर एंटर करना है, और देखो ऊपर का एरिया पूरा ढक चुका है हमारा ऑब्सीडियन से, और बस इसको भरने की बारी आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं ज्यादा माइन नहीं लगाऊंगा यार, फ्लिक इजीली मर जाएगा इससे। तो ऐसे करके 3-4 माइन लगाऊंगा मैं बस। ठीक है, उसको लगे यार बहुत ज्यादा सिंपल है और हो सकता है पैर रखने की कोशिश करे। तो ये दो रास्ते हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पर पेंटिंग लगाऊंगा ना तो इजीली मालूम नहीं चलेगा फ्लिक को कि कौन से रास्ते में क्या है। तो एक काम करता हूँ, पहले साइन बोर्ड
लगाता हूँ और लिख देता हूँ सुपर हार्ड। तो यार ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया सुपर हार्ड और यहाँ पर लिख देता हूँ हार्ड। भाई ये भी हार्ड है, इतना इजी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हार्ड, तो यार वो सोचेगा वो प्रो है तो इसमें जाएगा, और इसमें तो आपको पता है ना, तो पेंटिंग यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, इतना काफी होगा। अब यहाँ पर मुझे पेंटिंग लगाना है, तो ठीक है भाई यहाँ पर भी पेंटिंग लगा दिया, दोनों सेम पेंटिंग है। अब फ्लिक को मालूम नहीं चलेगा कहाँ जाना है, वैसे मैं रास्ता बताऊंगा यहाँ से जाना है उसको, और अगर यहाँ पर जाएगा तो फूटेगा। अब ये रूम में जैसे ही आएगा वो, यहाँ पर लेजर रहेंगे बहुत सारे, तो पहले ब्लॉक में उसको जंप करना है, यहाँ पर ऐसे जंप करना है उसको, क्योंकि भाई टाइमर नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, जल्दी भी तो पार करना है, उसके भी तो पॉइंट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा बॉस फाइट करवाऊंगा मैं, छोटा सा बॉस फाइट होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। तो पहले इस एरिया को मुझे पूरा कवर करना पड़ेगा भाई, ऑब्सीडियन अच्छे नहीं लगेंगे देखने में, डायमंड का है ना पूरा। मैंने यहाँ पर एक रूम बना दिया जहाँ पर बॉस फाइट होगा, लेकिन एक्चुअली में रियल बॉस फाइट नहीं होने वाला है, कुछ छोटे मोटे मॉब रखूंगा यहाँ पर मैं, रियल बॉस फाइट तो है नहीं है, क्योंकि यार हमें और नीचे भी जाना है, दो तीन ट्रैप और बनाना है मुझे फ्लिक के लिए। वैसे 3 मिनट ही बचे हुए, ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और यहाँ पर भी मुझे लगाना है डिस्पेंसर, ठीक है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आर्मर भर देता हूँ, वैसे आर्मर के नाम पर मैं भरने वाला हूँ इसमें सिर्फ ये टर्टल शेल, और यहाँ पर रख देता हूँ मैं ये वाला गोल्डन बूट, और एक शॉट दे दूंगा बाद में उसको। अब देखो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर प्लेट का सिस्टम बनाया हूँ जो दिखता नहीं आपको, अब जैसे मैं गॉगल पहनूंगा आपको दिखना चालू हो जाएगा। देखो ये प्रेशर प्लेट, और यहाँ से निकलेगा हमारा मॉब। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए ज़ॉम्बी स्पॉन करता हूँ, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा देखो ज़ॉम्बी आ जाएगा। इसके मदद से फ्लिक एक साथ आर्मर पहन लेगा और यहाँ पर ये ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो जाएगा, तो उससे लड़ना पड़ेगा उसको, मतलब जो भी मॉब स्पॉन होगा बाद में बताऊंगा आपको। तो यार मेरे तो इतने सारे बिल्ड बन गए, लेकिन मुझे फ्लिक का भी तो देखना पड़ेगा ना, क्या किया उसने अभी तक के, मालूम चला हमसे अच्छा बना दिया। वैसे 2-3 मिनट बचे हुए, तो एक काम करता हूँ पहले फ्लिक के बेस की तरफ चलता हूँ। तो मैंने आपको शुरू में बताया ना सीक्रेट दरवाजा यहाँ पर, तो दरवाजा ये रहा भाई, अलग से चमकता थोड़ा बहुत ही, तो इसको खोलता हूँ भाई और इसको भी खोलता हूँ। तो भाई जो भी हो, मेरा तो बिल डायमंड का है, कोबलस्टोन है, डर्ट का है, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई ये आ रहा है, एक सेकंड, ये फ्लिक ही है ना, अरे भाई ये आ चुका है। तो भाई वो बेचारा तो अपना काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता उसने देखा होगा, तो भाई बंद करो इसको, फालतू में देख लिया ना मुझे, तो यार वो बोलेगा मैं चीटिंग कर रहा हूँ, जबकि मैंने दरवाजा नहीं लगाया हूँ। उसको डिस्कॉर्ड में बुलाता हूँ पहले मैं। हेलो फ्लिक। हाँ हेलो डैश, क्या हुआ? अरे भाई बस 2 मिनट बचे हुए और तेरा बिल बना नहीं है अभी तक। एक मिनट, तुझे कैसे पता? अरे मैं बस ऐसे बोल रहा हूँ, तेरा बिल बना है कि नहीं, सिर्फ 2 मिनट बचे थे भाई। नहीं मेरा बन गया है, मैंने बाउंड्री डाल दी है। चल भाई तू चाहे तो आ भी सकता है अभी। नहीं मेरा 2 मिनट बचा हुआ है काम थोड़ा सा। ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। तो यार फ्लिक को तो मैंने डिस्कॉर्ड से हटा दिया, लेकिन भाई वो बोल रहा है पूरा काम हो चुका है, लेकिन अभी मेरे 2 ट्रैप बनाना बचे हुए हैं, एक बॉस फाइट जो मेन वाला बॉस फाइट होगा और 1-2 ट्रैप और बनाने हैं। भाई इतने से काम नहीं बनेगा, उसको 5 बार तो मारना है कम से कम। तो यहाँ से नीचे आना है, उसके बाद मैं घूम के चलता हूँ भाई सीधा बॉस फाइट की तरफ। तो यार अगला ट्रैप बनाने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर नीचे, और यहाँ से मुझे लेके आना है इसको यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ पर एक खतरनाक सा गेम है इसके लिए, और अगर ये हारता है और नीचे गिरता है तो सीधा वॉइड में गिरेगा। यहाँ पर सैंड रखना है और यहाँ पर प्रेशर प्लेट रखना है। अब जैसे वो पैर रखेगा तो सीधा नीचे गिरेगा TNT सैंड और प्रेशर प्लेट के साथ, और यहाँ पर आके मुझे सिलेक्ट करना है इस वाले ब्लॉक को। अब जैसे मैं यहाँ पर एयर करूंगा, अब देखो क्या होता है। भाई ये देखो एरिया पूरा वॉइड का बन चुका है, और जैसे फ्लिक यहाँ पर गिरेगा भाई सीधा नीचे गिर के मरेगा। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर लगा देता हूँ TNT पूरे। तो यहाँ पर एक TNT, पहला TNT ऐसे पूरा पीछे तक ले जाना है मुझे TNT को, अपने हाथों से लगाता हूँ भाई, 1 मिनट है। तो यार मैंने कमांड के अनुसार पूरा TNT भर दिया यहाँ पर, और ऐसे करके मुझे सैंड भरना है। तो एक काम करता हूँ, ये वाला एरिया सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे सैंड को एंटर करना है। भाई देखो पूरा सैंड आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर रखना है प्रेशर प्लेट। अब जैसे मैं प्रेशर प्लेट पर पैर रखूंगा मैं भी नीचे गिरूंगा, मैं तो क्रिएटिव में मरूंगा नहीं, और देखो नीचे जाके फूटेगा। और यहाँ पर मुझे पूरे प्रेशर प्लेट लगाने हैं, तो हाथों से लगाऊंगा भाई, कुछ गलती हो गई तो हो गया फिर। तो यार ये पूरा बनने के बाद में मुझे बस फाइनल बॉस फाइट करवाना है फ्लिक की, अगर वो जीतेगा तो अच्छी बात है। तो ऐसे नीचे आना है उसको, और उसको नीचे से वहां पर पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे सीढ़ियां बनानी पड़ेगी या सीधा नीचे लेके जाता है उसको। तो ये वाले ट्रैप के बाद में फ्लिक नीचे आएगा यहाँ से, और ये फाइनल फाइट है उसकी। ऐसे नीचे पानी में आएगा वो, अगर उसको मरना रहता है यहाँ पर कूदेगा। तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने यहाँ पे छोटा सा कॉन्ट्रेप्शन बनाया हूँ, और यहाँ पर बॉस फाइट होगी उसकी। तो पहले उसको ये आर्मर पहनना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। हेलो डैश। हाँ फ्लिक क्या हुआ? अरे भाई टाइम हो गया, बस कर अब, रुक जा। अरे भाई मेरा काम भी हो चुका है, मुझे क्या टेंशन है, तेरा काम नहीं हुआ शायद। मैं खड़ा हूँ भाई, बाहर खड़ा हूँ जब से। मैं खुद बाहर खड़ा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा था, मुझे लगा 15 मिनट बाद कॉल करूंगा तुझे। ठीक है तूने बोल दिया तो आ रहा हूँ मैं अभी। दीवार के पास आ जा। ठीक है भाई, फ्लिक को लग रहा है मेरा काम हो चुका है, लेकिन एक्चुअली मेरा काम हुआ नहीं है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आर्मर भर देता हूँ, और फाइनल बॉस मैं यहाँ पर खुद ही स्पॉन करूंगा, आप लोग देखना कौन सा बॉस रहेगा। अभी तो ऊपर चलते हैं। वैसे ये काम हो चुका है मेरा, यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगाना है मुझे, और आर्मर भर देता हूँ अच्छा वाला इसके लिए, क्योंकि बॉस बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो यार मैं अपना पूरा काम निपटा के ऊपर भी आ चुका हूँ, तो इसको पहले बंद करो भाई ट्रैप डोर को, और चलते भाई आगे की तरफ। भाई दरवाजे से आया तो नहीं होगा ना फ्लिक, नहीं तो उसने मेरा बिल्ड देख चुका होगा, तो वो भी अपना बिल्ड अच्छा करने के चक्कर में होगा, तो उसको डिस्कॉर्ड में बुलाता हूँ। तो फ्लिक दोनों में से कोई भी एक दूसरे का बिल्ड नहीं देखेगा, ठीक है, यहीं पर खड़े रहे तू भी। हेलो ठीक है भाई। तो फ्लिक एक काम करते हैं, मेयर को आने देते हैं, वो डिसाइड करेगा किसके बिल्ड में जाना है पहले। ठीक है भाई चलो वेट ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वैसे तो मुझे फ्लिक का बिल्ड दिख रहा है पूरा। हेलो डैश मेयर आ गया। अरे भाई तो सामने खड़ा है अपने, कितना तेजी से आया ये भाई, इसका घोड़ा दिख रहा है मुझे, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर कहाँ पर गया मेयर का? लगता है फ्लिक गरीब हो चुका है। सच में गरीब हुआ है भाई, पिछले बार तो सुअर पे बैठ के आया था, मतलब हालत सुधरी है इसकी भाई, पिछले बार सुअर में बैठ के आया तो इस बार घोड़े में बैठ के आया। खैर कोई बात नहीं, ओ भाई मशीन का नबी भी है इसके पास में। अरे पागल हो गया, अरे भाई ये पागल हो गया मेयर, कोई बात नहीं भाई, क्या मतलब वाला मैं ले लेता हूँ, तू ले ले वो। तो भाई मेयर भाई किसके बिल्ड में पहले जाना है? भाई फ्लिक तेरे बिल्ड में बोल रहा है, चलो भाई तेरे बिल्ड में चलते पहले। तो भाई ये सड़ा सा बिल्ड है फ्लिक का, कोबलस्टोन का बनाया भाई इसने, और कोई ब्लॉक नहीं मिला तुझे? भाई कोबलस्टोन बहुत अच्छा ब्लॉक है। वैसे फ्लिक मुझे पहले मालूम था कोबलस्टोन का होने वाला तेरा, भाई ये कहा जा रहा है? पहले मालूम था मतलब क्या होता है? अरे पहले मालूम था मतलब तू और क्या ब्लॉक का बनाएगा, या तो डॉट का बनाएगा, स्टोन का
बनाएगा, इसलिए बोला मैंने बस। तो अच्छा, तीन रास्ते यहाँ पर। और सर्वाइवल में आ भाई पहले तू। सर्वाइवल में भाई देख उड़ नहीं पा रहा हूँ मैं तो भाई। यहाँ पर तीन रास्ते और ये रास्ता तो पक्का नहीं होने वाला है भाई। ये तो पानी है, उसके नीचे ब्लॉक है, तो यहाँ से मैं कई बार भी नहीं जा सकता हूँ। और ये रास्ते में लावा है, दो लावा है भाई, तो मुझे लगता है लावा में से कोई हो सकता है। तो एक काम करता हूँ, पहले इसमें जंप करता हूँ, देखते क्या होता है। अरे यार गलत में कूद गया मैं। ले भाई एक बार तो मर गया तू। कितने चांस है मेरे पास भाई? 5 चांस मिले। चल इस बार तुझे 5 दिया। 5 चांस है, ठीक है भाई। तो यार मैं फिर से आ चुका हूँ और अब तीन रास्ते फिर से मिले मुझे, तो इनमें से एक में जाना है। ये तो पक्का नहीं है भाई, और लॉजिकली ये हो ही नहीं सकता भाई, इसमें तो नीचे ब्लॉक लगा हुआ है। तो एक काम करता हूँ, अब 4 ही लाइफ बची है मेरे पास में, 5 ही दिया फ्लिक ने मुझे लाइफ। खुद भाई, ओ भाई बच गया मैं। तो भाई वैसे तो ये लावा था, लेकिन भाई बच के आ चुका हूँ मैं, अच्छी बात है। ये कैसा ट्रैप बनाया फ्लिक ने, ऊपर लावा फिर क्या क्या लगाया। खैर कोई बात नहीं, जिंदा तो बच गया हूँ मैं भाई। कुछ दे दो सही खाने के लिए मुझे। ठीक है भाई, तुझे खाने के लिए दे देता हूँ वैसे। ये ले भाई। अरे भाई इसका क्या करूंगा मैं, तुझे बताता हूँ मैं। अंडा खा तू। अरे भाई इसको फेंको भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे पार्कोर ही करना पड़ेगा, कुछ देने नहीं वाला है। और मेयर भाई भी रुक जा, एक काम करिए देख, ये आखिरी वाले ब्लॉक पे मैंने रख दिया ये, अगर तू यहाँ तक पहुंचा तो भाई तू ले लेना खुद से। ठीक है ठीक है, पहुंच जाऊंगा। इसमें क्या है, ये पार्कोर है हार्ड वाला। ठीक है, पहला जंप हो गया मेरा, ये रहा दूसरा जंप, ये रहा तीसरा जंप, ये रहा मेरा चौथा जंप और ये पांचवा जंप। भाई ये कौन सा पार्कोर था, इतना इजी? इजी नहीं था भाई, लेकिन मैंने तो पार कर लिया। तो मेयर भी आ रहा है क्रिएटिव में। ठीक है भाई आगे आ चुका हूँ मैं। भाई फ्लिक ये क्या बना के रखा है तूने, डर्ट का पूरा इतना बेकार सा। तो नीचे चलते हैं, वैसे ऊपर क्या है दिख नहीं रहा अच्छे से भाई, बहुत सारे ट्रैप दिख रहे हैं मुझे। नीचे चलते हैं। और ये क्या है भाई? भाई इसमें से एक रियल है और एक घोस्ट है, और मैं तुझे चल एक बता भी देता हूँ कि ये वाला जो एरिया है ना देख, अच्छा यही है। ये देख ये एक ब्लॉक सही है, देख नहीं भाई ये देख, मैं तो चला गया यहाँ से। तू तो क्रिएटिव में उड़ रहा है भाई। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है फ्लिक मुझे पागल बना रहा, तो एक काम करता हूँ भाई, यही से चलता हूँ मैं। तो थोड़ा सा लंबा जंप पे देखा जाएगा भाई। ओ ये असली निकला भाई, ये नकली था। और फिर यहाँ पर भी कूदते हैं। ठीक है बच गया, अब मुझे यहाँ पर जाना है। अब भाई कहाँ से जाओ ये भी नहीं पता मुझे। ये रास्ता तो सही है फ्लिक, यहाँ से निकला था अभी गलती से। तो खूदते भाई देखा जाएगा। ओ भाई बच गया मैं, क्या बात है भाई। फ्लिक ये क्या कर रहा है, इतने सारे एंडामाइट, ये मार देंगे मुझे। मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे यार गया मैं इनके हाथों, खुद गया मैं। ये लोग मेरे पीछे आ रहे, शिट भाई ये क्या था फ्लिक। तो भाई अभी अभी मैं एंडामाइट के हाथों मरा हूँ और वापस आ चुका हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एंडामाइट थे पूरे, लगता है फ्लिक ने निपटा दिया उनको। और भाई वो तेरे फाइनल बॉस थे? नहीं भाई फाइनल नहीं थे, तो उधर जाके एक बार वो तो उठा पहले। ये आर्मर होंगे और क्या हो सकते है। तो एक काम करता हूँ, क्लिक होता हूँ भाई। ये कौन सा सड़ा सा आर्मर है, क्या तेरा दुश्मन पीछे देख। भाई भाई मैं तो आर्मर देख रहा था और एंचेंटेड गोल्डन एप्पल दिया उसने मुझे। तो एक काम करता हूँ, पहले एक दो हिट मारता हूँ भाई। मर गया ये फ्लिक यार, ये क्या किया तूने। अरे भाई है वो देख पीछे में एक और था तेरे। अरे भाई आप फोन नहीं कर सकता, रुक जा मैं मरने वाला हूँ। एक और बार मारते हैं इसको, अभी तक दो ही बार मरा हूँ भाई, फिर से मर गया फ्लिक। जीत गया मैं, आप फोन नहीं कर सकता तू, मेयर देख रहा है तुझे। ठीक है भाई। अरे अरे भाई कहाँ से निकला है? अरे भाई पागल हो चुका है, चल भाई मेरे बिल्ड में चलो चलो। तो फ्लिक अब तू आ चुका है मेरे वाले बेस में, तो सबसे पहले तुझे सर्वाइवल में आना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है भाई सर्वाइवल में ही हूँ मैं। तो एक काम कर भाई, तू गोल्डन एप्पल पकड़। तूने मुझे खाने के लिए अंडे दिया था क्योंकि वो तेरा बेस बहुत गंदा था, मैं तुझे गोल्डन एप्पल दे रहा हूँ। तो आ जा भाई मेरे पीछे भाई, इतना ही काफी अब तो। आ जा भाई देख अब तेरे साथ क्या होने वाला है। ये क्या है भाई, तू ही देख ले, एंट्री लिखी हुई है। अरे भाई तोड़ नहीं सकता तू, तोड़ नहीं सकता। ठीक है ठीक है, लगा देता हूँ वापस। दूसरा कहाँ गया पता नहीं कहाँ गया, जाने दे। तो एंट्री क्या है भाई यहाँ क्या? अरे भाई ये क्या हो गया? अरे भाई पहली बार में मर गया फ्लिक तू तो यार। तो एक लाइफ जा चुकी है फ्लिक, क्या बात है। तो भाई फ्लिक वापस आ चुका है, तो ये रियल एंट्रेंस थी नहीं फ्लिक, अब तुझे असली वाली एंट्रेंस ढूंढनी है भाई। तेरा एंट्रेंस ना कहीं तो और होगा भाई, एक मिनट में देखता हूँ। देख ले भाई देख ले, तुझे हिंट चाहिए तो कॉर्नर में है भाई कहीं ना कहीं। कॉर्नर में? हाँ बेचारा मेयर भी ढूंढ पा रहा है इस बार, तो इतना खतरनाक बनाया मैंने। तो भाई पूरा कॉर्नर छान मानता हूँ मैं, कहीं होगा यार इधर ही। मेयर भाई तू बता दे कुछ भाई, अभी पास हुआ है तू वहाँ से? सच में? हाँ और क्या, हिंट दे रहा हूँ तुझे, दो दो हिंट दे दिया मैंने भाई। कहाँ है? अरे ये क्या था भाई? ट्रैप डोर है भाई, ट्रैप डोर, वो भी डायमंड वाला। ठीक है भाई, तो मुझे यहाँ पे लावा दिख रहा है लेकिन शायद रास्ता यही होगा, कूद के देखता हूँ। अरे अच्छा फेक लावा है। और क्या यार, तुझे इतना टाइम लग गया इसको ढूंढने में और वो फेक लावा निकला। अब भाई ये तो भाई पूरा स्क्विड गेम वाला लग रहा है मुझे, वही है ना। और क्या, अब तुझे पार करना है इसको। ओ भाई सही हो गया, क्या बात है, फिर से सही, क्योंकि भाई तीनों के तीनों रियल थे। ठीक है भाई खुद अगले ब्लॉक में। ओ भाई सही हो गया, सही हो गया, चलो वापस एक बार ट्राई करता हूँ मैं भाई। सही हो गया, तभी मैंने 4 कदम स्ट्रेट लिया है भाई, ये भी शायद तूने पूरा स्ट्रेट ही बनाया इस बार, कूद के देखता हूँ। अरे यार गलत हो गया भाई तेरा, फ्लिक तो दो बार मर चुका है। ठीक है आखिरी जंप ले। ठीक है भाई ये होगा शायद, और मैं तो पहुंच गया, बहुत सही। अब देख भाई तो यहाँ पे बेड है, एक मिनट मैं यहाँ पे स्पॉन पॉइंट ले लेता हूँ। अरे भाई सो ही गया तू तो, उठ जा पार्कोर टेस्ट कम्प्लीट करना है तुझे। देख यहाँ पर पार्कोर टेस्ट है खतरनाक वाला, मतलब मेरे लिए इजी है तेरे लिए हार्ड होगा, तुझे कम्प्लीट करना है। तो भाई नीचे तो पानी है, मैं तो सीधा पानी से चले जाऊँ? तेरी इच्छा भाई, पानी से जाना तो पानी से जा। फेक वाटर डाला होगा मुझे पता है, जान दे यार, इसलिए मैं यहीं से जाता हूँ। अरे
भाई चढ़ जाओ। ओ भाई चढ़ गया। मैंने ये ऑप्शन दिया बचने का। ठीक है भाई बच तो गया तू। ठीक है फिर से खुद आया तू। ओ भाई फिर गिर के मर गया तू। गया ये फ्लिक फिर से। तीन बार मर चुका है ये। तो एक काम करता हूं इसको यहां पर स्पॉन करता हूं। तो भाई यहां पे इसने लेटर दिया है लेकिन मैं तो भाई उधर कूदूंगा ही नहीं। मैं डायरेक्ट कूद सकता हूं शायद। कूद जो चाहता है वो कर। अरे भाई कूद गया भाई पहुंच गया। और यहां से भी मैं डायरेक्ट ही कूद सकता हूं यार। तेरी इच्छा भाई। क्या पहुंच गया भाई। क्या बात है। ये क्या है सुपर हार्ड हार्ड। ठीक है चलो भाई मैं तो सुपर हार्ड में जा रहा हूं। ठीक है भाई। हां ये अरे ये क्या है भाई बहुत खतरनाक टीएनटी है भाई। ये टीएनटी से भाई यहां पे एक्चुअली मैं बच बच के जा सकता हूं इसे। अरे कौन मार रहा है ये। ये भाई एरो आया ना तेरे ऊपर। कहां से एरो आया। अरे अरे भाई ये तूने चीटिंग किया भाई। हम लोग नेदर में कैसे आ गए। रुक जा मुझे वापस आने दे भाई। हम लोग नेदर में आ चुके थे भाई। फ्लिक क्या किया तूने। तो भाई फ्लिक से ये वाला पार नहीं हो पाया और पता नहीं कैसे नेदर पोर्टल बना दिया उसने फिर से। तो भाई तो आ जा फ्लिक यहाँ पर। ठीक है आ रहा हूँ भाई। तो भाई ये कौन आ रहा है नेदर पोर्टल तोड़ते हुए। आ गया भाई मैं। क्या बात है डायमंड ब्लॉक भी आ गया तेरे पास में। इतना खतरनाक ब्लास्ट हुआ है। तो वहाँ पे जाके आर्मर ले ले तू। भाई ये क्या किया तूने। हॉकिंग स्पॉन करवा दिया। अरे भाई मैं लड़ रहा हूँ इसको मार दिया मैंने। और क्या डायमंड का शॉट दिया था तुझे। भले आर्मर गंदा क्यों ना हो भाई। इतना गावरानी आर्मर क्यों दिया तूने। क्योंकि तू भी तो गावरानी है। आ जा पीछे मेरे। तेरे पीछे आऊं ना। जाना भाई आगे जा। ठीक है भाई जा रहा हूँ जा रहा हूँ। देखा तेरा ही पार्कोर तुझसे ही करा रहा हूँ भाई। ये क्या है। अब ये असली पार्कोर है। तुझे क्या लगा वो पार्कोर है। अब तुझे पार करना है और तेरे साथ शायद मैं भी खेलूंगा ये गेम। देख मैं भी सर्वाइवल में आ चुका हूँ। हम दोनों को उस पार पहुंचना है। ठीक है तो भाई मैं तो पहले भाग रहा हूँ यहाँ से। तुझे भी आना फ्लिक। अरे अरे आ जा भाई। अब ज्यादा रास्ता बचा भी नहीं है। वो देखो पार तो कर रहा है भाई। ओ मुझे देखते देखते इसने भी पार कर लिया। इजी था ये। बच्चे करते हैं सब। और क्या भाई बच्चे करते। तूने भी कर लिया सोच। आ जा भाई एक राउंड और चल के आता हूं। वो देखो पागल हो गया फ्लिक। अरे बाप रे एक राउंड और चल के आ जा भाई। ठीक है ले। अरे अरे यार भाई बहुत राउंड पार करने है तुझे तो। वो देखो गिर के मर गया भाई। ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते। तो एक लाइक तो बनता है मेयर के लिए। भाई फ्लिक तुझे ऊपर से नीचे कूदना है। आ जा भाई। ठीक है भाई कूद रहा हूँ मैं। अरे भाई कितना अंदर चला गया मैं। क्या है भाई अब मुझे नहीं पता कितना अंदर चला गया। ऊपर आ जा तू पहले। ये आखिरी स्टेज है। हाँ ये आखिरी स्टेज है और आखिरी बॉस भी है यहाँ पर। ठीक है यार मैं उठा ले तू। क्या भाई बंदूक बंदूक है तो गोली पकड़ तू पहले। ठीक है अब तुझे लड़ना है इससे भाई लड़ अब। अरे भाई मैंने कितना छोटा वाला स्पॉन किया था। ये क्या किया तूने। भाई ये हमारा नर्क का हैवान है इसे लड़ना पड़ेगा तुझे। और भाई कैसा इंसान नहीं है। मार दिया इसने। खत्म ही हो गया मैं पूरा। भाई एप्पल खा ले रहा हूँ। ठीक है भाई गोल्डन एप्पल खा आराम से तू जैसे तुझे लगता है। और भाई मार दिया तूने। देखा कितना इजी है बंदूक दिया था तुझे मैंने। ये तो आसान था। मैं नहीं चाहता था इतना हार्ड हो तो तुझे बंदूक दे दिया मैंने। अच्छा अरे भाई ये क्या कर रहा है। तो देख फ्लिक तुझे तो पता है ना हम दोनों के हिसाब से कौन जीता है। और मेयर के हिसाब से मैं जीता हूँ। मेयर ने नहीं बोला था कि मैं हारा हूँ भाई। अब वो मेयर ने बोला है कि नहीं मेयर से मालूम चलेगा। मेयर से बात कर लिया मैंने। ज्यादा बार तू मारा है। ठीक है मेयर को मैं फोड़ दूंगा। अरे भाई भाई ये क्या कर रहा है। गाइस आप लोग डिसाइड करो कौन जीता है। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।